स्क्रीन बोर्ड पर जो आप देख रहे हैं सवाल कि 9:89 यथाक्रम से 8:00 क्या आएगा, अब उस पर है आपको 57, 64, 88 और 102, तो कौन ऑप्शन होता है इसके लिए मेरे वीडियो के साथ अंत तक बना रहिएगा ताकि आपके पूरी बात बढ़िया समझ में आवे। जी हाँ, और इस शायर ने ठीक ही कहा है, प्यारे चंदा चकोरी चांदनी बादल में चिले है, चंदा चकोरी चांदनी बादल में चिले है, और तेरे हुस्न को देख कर ये ललन बंदा होती है। आई आई देखिए, अब सचिक कहा गया, देखिए दम है तो हलचल। जी हाँ, अब जिस प्रकार से नौ का संबंध 89 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध किस से है, 87 से है, 64 से है, 88 से है, 102 का कैसे है? मैं अब इसमें जोड़ लगाता हूँ आपके माध्यम से। हम मान लो कि 9 को स्क्वायर करते हैं, अब प्लस 8 करते हैं, 89 और प्लस 8 हो जाता है 89। उसी प्रकार से हम 8 को स्क्वायर करते हैं और 8 ही प्लस करते हैं, तो 8 64 प्लस का 8 तो 8 12 यानी कि 72 आता है, तो यह बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरा तथ्य हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ देखिए, अब ठीक 9 को हम गुना करते हैं 9 से, अब प्लस, अब देखिए 9 81 हुआ ना, अब प्लस जो कि अब इसी को गुना करते हैं, तो 8 × 1 = 8 आ गया, तो 81 और 8 89 हो जाता है। अब ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं इसको, किसको 8 को 8 स्क्वायर कर देते हैं तो 8 × 64, और इसी को हम आपस में गुना करते हैं तो हो जाता है 24, छोड़ चुके 24, और इसका जोड़ हो जाता 8 × 8 और छोड़ दो 8, तो 88, इसका उत्तर क्या हुआ 88। या तो मैं समझता हूँ पहले क्या बड़े समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, फिर दूसरे भी जो भी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।